आ चुके हैं पूरा अपने लोकेशन पे। वीडियो वगैरह एल्बम वगैरह बनाना चाहते हो तो भाई यहाँ से यहाँ पे आराम से आ सकते हो। रबर कट भाई देख सकते हो। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत चंगे और अच्छे होने बेचे। फिलहाल हम निकल चुके घर पे और मेरे साथ यार कुछ सूरज भाई भी आ चुके हैं, सूरज भाई भी है। और फिलहाल हम जाने वाले कुंभा पे, वहाँ पे जाएंगे तुरा और रबर गार्डन पे जाएंगे। सूरज भाई नहीं गए थे तो सूरज भाई को लेके चलते हैं रबर गार्डन में। और हम जाने वाले कुंभा पे रबर गार्डन में, ये पहले एक बार मैं जा चुका था रबर गार्डन पे, इस बार सूरज भाई को साथ लेके चलते। तो चलो आगे जाते हैं और आपसे मिलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे सामने है उधरबन और यहाँ से हम फिलहाल निकल रहे हैं। इस जगह का मुझे प्रॉपर नाम पता नहीं है। सामने है उधरबन, तो ये रहे अपने बीपी, ये रहे अपने सूरज भाई। तो चलते हैं भाई अभी फिलहाल यहाँ पे। भाई फिलहाल हम निकल चुके यहाँ से और सामने हमारे दरबन और हम जाने वाले हैं भाई कुंभा की तरफ और रबर गार्डन पे जाएंगे। और सूरज भाई वहाँ पे नहीं गए थे, सूरज भाई को लेके चलते हैं भाई इस बार। और मैं तो पहले जा ही पा रहा हूँ यहाँ पे, तो जो भी सीन रहेगा आप लोग को दिखाएंगे ट्रेन से देखना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। तो भाई चलो जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। और आज घर से निकलते निकलते मुझे लेट हो गया है और यहाँ पे आने के बाद हम दोनों मिल के बातचीत कर रहे थे और संडे आप सबको पता है संडे में भी निकलना होता है अपना। गार्डन तो सूरज भाई को भी दिखाते हैं एक बार। तो संडे कभी बंद रहता है तो भाई कभी ना कभी निकल ही पड़ता है। मैं निकल जाता हूँ भाई, घर में ऐसा नहीं लगता देखने के और वगैरह ही लगता है। रात में आपके लिए ब्लॉग बनाता हूँ और कभी मूड रहता तो मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ संडे में। नेक्स्ट जो नेक्स्ट थोड़ा संडे गया है फिलहाल, अभी संडे मैंने ब्लॉग बंद ऑफ कर दिया, ब्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था कर रही थी संडे मूड ही नहीं था ब्लॉग बनाने का, तो इसी कारण मैं ब्लॉग ही नहीं बनाया। आज अच्छा भाई ब्लॉग बनाते हैं भाई कारण भाई बना थोड़ा भाई हरियाली देते हैं भाई वो देखो भाई तुरंत भाई अपने ड्राइवर ड्राइवर लगा के प्यार कर रहा है। हम धीरे धीरे भाई आगे बढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। कौन सी भाई बाइक से लगा रखा है पर भाई मस्ती की अच्छा लग रहा है। कोई टेंशन नहीं रहा, आराम से कितना ड्राइव करे जा रहा हूँ। काम से मुझे अगर ड्राइव करो तो काम का टेंशन रहता ही है, वो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। आज भी काम है कुछ, अपने पास में काम है तो वो तो आराम से कर देंगे। अगर अभी तो काम कुछ हो गया ना तो बाइक ड्राइव अच्छे से नहीं होता, एक टेंशन में होता है भाई ना कि बाइक से जाना करना पड़ता है, इसे जाना करना इसके टाइम टाइम से मैं जाओ यहाँ जाओ बोरी नहीं होता भाई। जितने हम बात आते जा रहे हैं ऊपर का व्यू उसमें एकदम ऊपर लग रहा है बच्चों में शरीर में बैठा हूँ भाई। लास्ट वाला ब्लॉग में हम लोग देख गया हुआ आप लोग में गया था और अब नेक्स्ट बार और भी एक बार हम लोग जाना है आपके पास पूरे में भी साथ जाएंगे फिलहाल में और विशाल भी किया फिर इस बार आप लोग ने। और आप लोग तो आप लोग में क्या जाने के बाद कुछ भी नहीं किया काफ़ी फिर पहुँचा है और फिर भी थोड़ा पूरा पूरा टाउन में और बाजार तक जो भी हो पूरा दूर से एक्सप्लोर किया ना वो भी एक्सप्लोर किया जाता कुछ खास चीज़ नहीं। एक बार जब जाऊँगा आज से तो एक्सप्लोर करने के ट्राई करूँगा और एक बार जाता कुछ खास बाई टाइम लेके आप ऑलमोस्ट हम 11 बजे घर से निकले थे और
एक बार बैग खोल चुके हैं, जल्दी आगे बढ़े दादा भाई, बिना नहीं वहाँ पे हमें रुकने के लिए तो आ गए थे। तो और एक बार जाने वाले हैं आप लोगों के पास, के लोग मिलकर उलमुस्ट जाएंगे आप लोगों के, एक दिन जाने का लगेगा तो और एक दिन रहेंगे और तीसरे दिन आएंगे, उलमुस्ट दो तीन दिन मजा आएगा आप लोग में। तो कंटेक्ट कर लेना भाई आप लोग का भी ब्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है, एक ब्लॉग तो मिल ही जाएगा आपको चैनल को, तो देख लेना। और भी दो तीन ब्लॉग आएंगे आप लोगों का, जाने की तैयारी है बस कुछ दिक्कतें हैं उन्हें साइड में करते हैं, इसके बाद जाएंगे दो तीन दिन आप लोग तो मज़ा आएगा। मेरे जगह भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा और विशाल और भी देखे जाएंगे तो मज़ा आएगा। देखते हैं कौन कौन जाता है, कौन कौन नहीं, कौन लोग वगैरह जाएंगे, मज़ा आएगा, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आप लोग। फिलहाल हम जा रहे हैं और जहाँ पे जाने वाले हैं बहुत ही फ्रीडम मिलेगा भाई। आप लोग में जाओगे ना तो ये भी क्या भाई, ये सब कुछ भी नहीं है आप लोग के आगे। आप लोग में मैंने आप लोग में जाने के बाद आप लोग में जितना देखा है ना, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे एक भी मतलब एक भी छोटा मोटा सा ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग में व्यू भाई नेक्स्ट लेवल वाला आ रहा है, मैंने तो देखता ही कहता आप लोग छोटा मोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार जाने का वैसे ही बता रहा हूँ भाई। आप लोग का व्यू जो भाई क्रेजी मतलब देखते मतलब मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देख लेना आप लोग, तो भाई समझ जाओगे आप लोगों का व्यू क्या है। तो भाई हम फिर से जाने वाले आप लोग और बातचीत करते करते हम जाते थे आपके लोकेशन के पास होंगे। देखने के बाद आपको तो थोड़ा जान पहचान वाला रोड लग रहा होगा, क्योंकि जब भी हम जाते हैं पिकनिक पे तो भाई इस रूट से ही जाते हैं हम, जिस तरह से पहले काम सब जाते हैं ना, तो इसी तरफ जाते हैं शिमला में तो पिकनिक वाला करते हैं, लेकिन हम इसमें इसी रूट से जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जाना पसंद लग रहा होगा। और इस रोड से आने के बाद मुझे एकदम मतलब चाहिए बोले सभी मतलब देखते वक्त सही लगता है रोड एकदम भाई उतर वाला रोड एकदम पर्सनली बोल रहा हूँ, एकदम पर्सनली बोल रहा हूँ, रोड मुझे एकदम मतलब क्या फिर भी लगता है अच्छा लगता है जैसे दोनों साइड को हरियाली ही हरियाली सब चीज़ से निकलना होता है ना, तो रोड का मतलब खुशी हो जाती है, रोड का मैं खुश हो जाता हूँ। तो भाई हम आ चुके हैं अपने टी गार्डन के पास और भाई देखो साइड में बस हुआ हो क्या सही रोड है ना ये, और भाई वो सामने है रबड़गढ़ में आई गया पहले जब मैं आया था एक बार भाई ढूंढते भाई थक गया था, लेकिन रबड़गढ़ में नहीं मिल रहा था, तो इस बार भाई रबड़गढ़ में तो पता है मुझे कहाँ पे है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो सामने देखो भाई वाटर ब्यूटी सुंदर लग रहा है देखने में, चेक कर रहा है रबड़गढ़ वैसे है भाई इसी पे ही जाने वाले हैं फिर से, एक बार तो मैं पहले आया था लेकिन बहुत दिनों के बाद आ जा रहा हूँ, और शायद वगैरह होंगे कर रहे होंगे अपने वीडियो भाई आ चुके हैं भाई अपने रबड़गढ़ के पास। तो भाई देख सकते हो भाई हम आ चुके हैं पूरा अपने लोकेशन पे रबड़गढ़ रोड पर।
हम आ चुके हैं रबर गार्डन। यार यहाँ पूरा रबर गार्डन देख रहे हो। सूरज भाई देखो क्या कर रहा है अपना, देख सकते हो भाई। पहले भी मैं एक बार आया था जब देखे आता आप लोगों को, तो इस बार देखो भैया रबर है, देख रहे हो कैसे निकलता है। देखो जस्ट देखो, वाह देखो भाई देखो, इस तरफ से आने के बाद यहाँ से देखो निकल रहा है रबर, कैसे सीधा जाके इसमें गिर जा रहा है रबर। तो भाई सही है, यहाँ पे सब पेड़ों में यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो भाई सब में रबर निकलता है, समझ रहे हो। इतना बड़ा रबर गार्डन भाई, मतलब क्या ही बोले। पहले जब आया तो मैंने देखे आया था आप लोगों को, और आगे भी है, वहाँ पे भी है, नीचे भी है, और सामने और भी है, और इस तरफ भी है रबर गार्डन। पूरा सिर्फ रबर का पेड़ ही पेड़ है आप देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोई नहीं है और सही लग रहा है। और यहाँ पे एकदम चिल, कोई शांति, पूरा शांति भाई, एकदम शोर नहीं, शराबा नहीं, कुछ भी नहीं, शांति शांति। देख सकते अपना सूरज भाई लगा रहा है अपना ब्लॉगिंग में। सूरज भाई अपना ब्लॉग कर रहा है, देखो सिनेमेटिक ले रहा है कैसे। और भाई जस्ट वाव, देखो खाली जस्ट देखो, सही लग रहा है ना। और उस तरफ से देखो भाई, पूरा पूरा पहाड़ देख रहा है ना, सही लग रहा है। बाइक पे जो साउंड आ रहा है ना, बहुत ही ख़राब आ रहा है फिलहाल क्वालिटी। मैंने अभी चेक किया, लास्ट वाले ब्लॉग में भी ऐसा हुआ था, मतलब मोटर कॉलेज में मैंने गया था, वहाँ पे भी मैंने बहुत ही पार्ट कट कर दिए थे, बहुत ही ज़्यादा पार्ट था, अपने को कुछ बोला था ये वगैरह, बहुत ही ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा ही पार्ट मैंने कट कर दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है, क्या ही बोलूँ। तो इसके कारण भाई आज भी इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है ना, माइक अडैप्टर मुझे लेना ही पड़ेगा। फिलहाल माइक अडैप्टर नहीं है, सबका पता ही है, तो देखते हैं भाई माइक अडैप्टर जल्द ही लेने की ट्राई करते हैं। साउंड एकदम ख़राब आ रहा है, कट ही आ रहा है, कुछ सुनाई भी नहीं थी अच्छे से। इस वाले ब्लॉग में क्या डालूं क्या नहीं भाई, कौन सा वाला पार्ट में कट करूंगा या नहीं, देखते हैं भाई। कट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ख़राब क्वालिटी साउंड आ रहा है ना, क्या ही बोलूं। तो ठीक है भाई, यहाँ पर आपको सिनेमेटिक्स थोड़ा बहुत इन्जॉय करो, तो हम यहाँ बैठते कुछ बातचीत करते। भाई सूरज भाई के ट्राईपोड के चक्कर में तो अपना गोप्रो गिर गया यार, समझ रहे हो भाई। सूरज भाई के ट्राईपोड से मैंने कुछ शॉर्ट्स लेने की ट्राई किया है गोप्रो लगा करके, बट भाई गोप्रो गिर जाता है भाई, ट्राईपोड में गोप्रो फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका माउंट वगैरह कुछ भी नहीं है ट्राईपोड में लगाने के लिए। फिर भी मैंने कुछ जुगाड़ लगा दिया भाई, यहाँ पे पूरा बहुत चिपका के रख दिया है, दिखाते हैं आप लोगों को। जुगाड़ चल रहा है, देख रहे हो जुगाड़ चल रहा है, जुगाड़ भाई शॉर्ट्स लेने के, मतलब ड्रोन, फेक ड्रोन समझ लो, ड्रोन क्या है, सही शॉर्ट्स लेने के लिए फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई, और यहाँ का सीन वगैरह जो भी है आप लोग सिनेमेटिक्स में एंजॉय कर लेना। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, देख सकते हैं भाई यहाँ पे मतलब गर्मी लग रही है अभी थोड़ा सा, जाते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से, कुछ खाते हैं पीते हैं। तो भैया रास्ता मतलब बहुत स्लिप हो रहा था बहुत, इसीलिए मैंने बाइक को नहीं हिलाया, अगर बाइक के ऊपर लेके आते तो रील्स वगैरह शूट कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ भी। तो भाई चलो बाइक के पास चलते, निकल रहे भाई रबर गार्डन से। सही है भाई, यहाँ के आप अगर यहाँ पे आप आ सकते हो ना, तो आओ आके भाई चिल करो, और कोई अगर म्यूज़िक वीडियो वगैरह एल्बम वगैरह बनाना चाहते हो तो भाई यहाँ से यहाँ पे आराम से आ सकते हो। यहाँ पे मतलब सही है, अच्छा लोकेशन है, आप यहाँ पे 3-4 शॉट्स निकाल सकते हो यहाँ से आराम से, अगर आपको अच्छा लगा तो आ सकते हो भाई। तो चलो फिलहाल चलते यहाँ से, और ये रही अपनी ब्यूटी, यहाँ कब से गाड़ी है भाई, यहाँ पे भी देख सकते हो भाई, सिर्फ रबर गार्डन ही रबर गार्डन। और हम लोग यहाँ पे थे ऊपर, थोड़ा बहुत यहाँ पे रील वील शूट किया, फोटो वोटो क्लिक किया,
मैंने और सूरज भाई ने। तो अभी फिलहाल यहाँ से चलते और आज का छोटा मोटा ब्लॉग ही पेंट करते हैं। उम्मीद है आपको छोटा मोटा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अच्छे से मस्त ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।